खबर जालौर से है, जहां नगर परिषद के महत्वपूर्ण दस्तावेज जलाने के आरोपों के बाद तत्कालीन आयुक्त शिशेश कांकरिया की माता कुसुम देवी का जोधपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। इसके बाद कांकरिया के परिजन कुसुम देवी के शव को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान परिजनों ने SP हिम्मत अभिलाष टांग और कोतवाल बागसिंह पर आरोप लगाया कि शिकेश कांकरिया पर लगे झूठे आरोपों के बाद सदमे की वजह से कुसुम देवी का निधन हुआ है। वहीं शिकेश कांकरिया को अपनी मां के अंतिम संस्कार समेत अन्य सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। दिनों से SP साहब के द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि SP साहब और CI को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि हमारा पिछले 25 दिन से इन्होंने हमें षड्यंत्र करके हमें फंसाया है। इनसे पूछने पे बार बार हमें यही जवाब देते हैं कि राजनीतिक प्रेशर है। पर इनके पास कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने जबरदस्ती इनको इन्होंने मुलजिम बना के हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया 25 दिन में।